मेडल देने का आधार क्या रहा और इस मेडल का किसको समर्पित? यह मेडल मैं गाजीपुर के उन तमाम गरीब लोगों को समर्पित करता हूँ जो वंचित हैं अपने जीवन के अंतिम संस्कार के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए था, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भविष्य में प्रेरणा देती है सामाजिक समरसता के लिए। मैं गाजीपुर के उन लोगों का आह्वान करता हूँ कि आइए, एक आदमी एक गरीब परिवार के जीवन उत्थान के लिए काम करेगा जिससे बेरोजगारी हटेगी, उन लोगों को कभी भी भविष्य में लकड़ी बैंक के माध्यम से लकड़ी न लेना पड़े, ये मेरा आग्रह है। गाजीपुर को ग्रेटर गाजीपुर बनाना हमारा संकल्प है। 2025 तक जो 18,801 करोड़ रुपए जिले की GDP है उसको 36,000 करोड़ पहुँचाना है, जो आजादी के 75 साल तक जो नहीं हुआ वो आने वाले 5 सालों में होगा, ये हमारा संकल्प है। आज का किस तरह का कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम हमने भारतीय संस्कृति पे पुस्तक लिखी है, साथ साथ में पिछले एक महीने से रोजगार आपके द्वार चल रहे कार्यक्रम का सांकेतिक रूप से युवाओं को आज रोजगार का अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से जो लकड़ी बैंक के लिए सम्मान कार्यक्रम था वह मेरे आग्रह पर उन्होंने गाजीपुर में। सर नियुक्ति पत्र भी दिए गए कुछ ऐसे भी? जी, सबसे खुशी की बात यह है कि गाजीपुर से कुछ लड़के स्विट्जरलैंड नौकरी करने जाएंगे, कुछ लड़के कुवैत नौकरी करने जाएंगे। अब युवा जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, ये हमारा संकल्प सिद्धि की एक पहली प्रमाण है। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र आज दिए गए? 222 लोगों को। हमारा संकल्प है प्रतिवर्ष 25,000 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना, उसमें नौकरी है, स्वरोजगार है, आत्मनिर्भर भी है और सरकार की वो योजना जो युवाओं को समझ नहीं आता उनको भी जोड़ना है। आज हमने 222 युवाओं को नौकरी दिए हैं और लगभग 7 लोगों को व्यापार के साथ कनेक्ट किया है रोजगार के लिए, और आने वाले समय में हर महीने अलग अलग तहसील में जाकर के रोजगार के मेलों को ले जाएंगे ताकि बच्चों टचलेस भारत में पहली बार आज गाजीपुर में एक और इतिहास हुआ कि पूरी प्रोसेस को टचलेस रखा गया, पूरा प्रोसेस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके और रोजगार के अवसर बड़े बड़े कंपनियां आई। अभी तक वो कंपनियां मेट्रो शहर में जाकर के कैंपस सिलेक्शन करती थी, मेरे आग्रह पे संस्था के आग्रह पे यहाँ के युवाओं को टाटा कंपनी, इंफोसिस कंपनी, बिरला की पैंटलून कंपनी, सडेस्को जैसी बड़ी कंपनी आकर यहाँ रोजगार दी। सर एक आखिरी सवाल है, जैसा किसी कार्यक्रम में बताया गया कि बड़ी चुनौती आ रही है प्लेसमेंट, एक सामाजिक समस्या है जिसको परिवर्तन करना हमारा ध्येय है, और सामाजिक समस्या ये है कि ज्यादातर युवा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। आज भारत में काम करने वाले लोग किसी भी सरकार के नौकरी करने वाले ज्यादा आए आईटी सेक्टर में कमाते, सर्विस सेक्टर में कमाते हैं या व्यापार के माध्यम से कमाते हैं, तो वह एक जो सामाजिक समस्या कंफर्ट जोन में रहना, एक एक रिस्क फ्री जोन में रहना, वो धीरे धीरे आगे जाएगा। उसकी हम एक रोडमैप हमारे पास है, जो युवा सेलेक्ट नहीं हुए उनको अगले महीने में जो लगभग 2700 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम ट्रेनिंग के माध्यम से मोटिवेट करेंगे, फिर उसमें से सेलेक्ट करके फिर रोजगार देंगे। सर आप छोटे छोटे वेंडर्स यह तो मैं कहना नहीं क्योंकि शासन हमारे लिए है, हम शासन के लिए नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है गाजीपुर जिला के मेयर महोदय को कहने के लिए। हम पिछले 8 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वेंडिंग जोन की बात की जाए, 5 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, 3 बार मेरी रूबरू मुलाकात हो चुकी है, अन्य समाज के लोगों ने भी जाकर के कहा है कि आप वेंडिंग जोन डिक्लेयर करिए, पर उनकी क्या समस्या वही जानते हम नहीं जानते।